ओके तो जी पोजिशन जी बच्चे की वो नॉर्मल कंडीशन होना बहुत जरूरी है। बस अगर की होंगी अगली लत्त जो बच्चे के हूफ खोर जड़े ने वह बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं या एक हो गई या दो हो गए हैड जोड़ा वो बिल्कुल सीधा लेकिन लत्त जो चले गई ने थले या बसाकात इस तरह होंगे जी यूटरस है बच्चा दानी जी है वह अपने ही इर्द गिर्दी है उन्होंने वाल पै जाता है। जिस टाइम वाल पै जाने जो समझ लो कि एक गुब्बारा है गुब्बारे को तुम जिमें गण मारने तक हवा जी बाहर ना आए इस तरह इस कंडीशन के होंगे कि बच्चा दानी वो वाल खा जाती है बसाकात तुम सूने वाली जी बिल्कुल तैयार गाँव से उन्होंने तुम ट्रांसपोर्ट कितने दूसरी जगह लैके जाते पे हो राह कोई ऐसा झटका लगा जिद वजह तू जी है बच्चादानी उल्टी हो जाती है या जानवर दौड़िया उची नीवी जगह तू जो वजह तू जी है वह बच्चा जोड़ा वो रोटेट कर जाता फिर जाता उस तो भी उन्होंने टारशन कहने और इस कंडीशन के जानवर माँ जी है वह कदे भी अपना बच्चा खुद लेबर नहीं कर पाती क्योंकि बच्चा इनकी राह जिस टाइम बंद हो गया गण वज गई है इस वास्ते जड़ा जानवर वेखो कि गब्बर ने बिल्कुल आखिरी जस्ट्रेशन पीरियड जोड़ा वो बिल्कुल दिन जो पूरे हो गए हैं तो उन्होंने ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट ना किया जाए वह बड़ा केयर किया जाए खुली जगह पर नरम जगह पर खामोश जिते सुकून होए यह जे जानवर को उस जगह पर रखा जाए क्योंकि ये जरा इस तरह की कंडीशन है वो देखो ना यह जानवर जरा जिमें पूछल बार बार चुकद पूछल चुक के रखेगा नाल जरा अंदरों मवाद है लोशिया जिन्होंने असं कहने अपनी जबान च अंदर जी बच्चा दी रतूबत है वह सुटद और यहोजा जानवर बार बार एक तो पेशाब भी करेगा दूसरा फोसी अगर पहला वो सखल सी कबल सी लेकिन जिस टाइम समझो कि जस्ट्रेशन पीरियड पूरा हो गया अंदर दे बिल्कुल कंडीशन ठीक है सूण के बिल्कुल करीब आ गई है तो जानवर की करेगा फोसी पतली कर लग पैंदा अनीमा जिन्हों असं कहने कुदरती तौर पर एक ऐसा अमल है कि बिल्कुल जरा फोसी भी पतली हो जाती है लोशिया जानवर जरा सुटन लग पैंदा ताकि लुब्रीकेशन जी है अंदर ताकि बच्चे बाहर आने के जरा वो डिफिकल्टी ना बच्चा स्लिप हो के आराम जरा वो बाहर आ जाए तो यहोजा जानवर जरा बार बार उठद कदे बहद बार बार कदे एक लत्त जरा वजन चुकता कदे दूसरी करता है यदा मतलब है कि अंदर कोई ना कोई मसला बच्चे हो जाता तो बसाकात की होंगे अल्लाह ना करे कि चार लत्त जड़िया बच्चे दियाँ वह इको जगह जो है हूँ बच्चा लैन ए बच्चे जी सर्वैक्स है ये आ गई हूँ चार लत्त ही ये आ गई ने पिछला जरा इस तरह कंडीशन बन गई तो भी गां जी है उन्होंने डिलीवर नहीं कर पाती। फिर तीसरी जी कंडीशन है पोस्चर बसाकात जोड़ा पोस्टीरियर पोस्चर के बच्चा आ जाता है कि बच्चे दिया जड़िया पिछलिया लत्त ने पिछला धड़ जोड़ा नर्व कंडीशन पर होंगे कि जड़िया अगला हैड के नाल अगलिया लत्त ने वह पहल आदियां ने लेकिन जिस टाइम बच्चा पुट्ठा जिन्होंने असं कहने जी पुट्ठा सूए पिछलिया लत्त जो पहल आ जाए और फिर अगलिया और पिछली लत्त स्पेस नहीं रही बच्चा यानी तंग वह राह जरा तंग हो जाता जिदी वजह तो जानवर को तकलीफ होंगी है तो जानवर जरा वेखो ना जिमें बार बार पूछल चुकती है कदे आकड़ा लेंदी है कदे उठती है कदे बहंदी है नाल अंदर का जरा मवाद है वह भी खारिज करती है तो ज़्यादा तो ज़्यादा जरा दो घंटे तीन घंटे ये तुम वेखो ये कुदरती अमल है दो तीन घंटे तक जरा बसा कद अगर छोटा मोटा कोई भी अंदर कोई डिफेक्ट होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर को सहमत दी हुई है वह कदे उठद कदे बहद कदे पासे मारद वह अपने आप की करता बच्चे की पोजिशन बच्चे दत्तों बच्चे के हेड को सीधा कर रहा होंगे अंदर लेकिन सानू नज़र नहीं आ रहा होंगे इस वास्ते बहुत जल्दी नहीं करनी जानवर को थोड़ा टाइम दबो अगर जानवर सेहतमंद है तो वह ऑटोमैटिकली माशाल्लाह बच्चा डिलीवर कर लेंदा लेकिन छोटा मोटा डिफेक्ट हो फिर तो जे वेखो कि टाइम काफ़ी हो गया जानवर भी थक गया जोर ला के तो फिर तुम डिले नहीं करना फिर कोई भी जो क्वालिफाइड वैटनेरियन है वो हेल्प लैके ताकि जी गां है वो तकलीफ जी है वह जल्दी तो जल्दी दूर हो सके बच्चा डिलीवर हो जाएगा मां भी सुकून आ जाएगा और जो आनर जो मालिक ने उन्होंने भी सुकून आ जाएगा कि जी माशाल्लाह हूँ सू पई है इस सारी कंडीशन जड़ियाँ ने यह मद्देनज़र रखनी चाहिए ने तो आई होप के इंशाला अज की जी वीडियो है तुम्हें पसंद आएगी इनू लाइक कर शेयर करे तो सा चैनल है इनू सबसक्राइब लाजमी करे क्योंकि थोड़ा लाइक शेयर करना सबसक्राइब करना यह साढ़े वास्ते हौसला अफजाई है यही सूँ दे सकते जे
साड़ा भी हौसला बढ़ता है कि माशाला जनाब लोग साढ़े प्यार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखियो, अपने जानवरों का ख्याल रखा जे। जिमें असी मुश्किल च होंने तो साड़ा दिल करता है कोई मदद करे। ये भी जानवर जो बेजुबान ने, बिल्कुल कंडीशन एवं ही होंगी है कि जिस टाइम उन्होंने वास्ते कोई हेल्प करना आता है तो जानवर को भी सुकून आता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।